ओके, अब बात आ रही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ शुरू से कि पैसे की फॉर्म में क्या फायदा होने वाला है स्मैट अप्लाई करके। क्योंकि देखो ये अब ये वाला जो पोर्शन है ये डाइगेस्टिंग ओनर्स और सीईओ के और प्लांट हेड्स के लिए है, वो जरूर देखें इस पोर्शन को। क्योंकि जब आप स्मैट अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर में आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अपने यहाँ आपको लानी पड़ेंगी, कुछ टूल्स जो है आपको अपने यहाँ मंगवाने पड़ेंगे। तो वो सारे टूल्स का, वो सारे खर्चे का जो अप्रूवल है वो कंपनी का ओनर या सीईओ या प्लांट हेड आपको दे सकते हैं। तो ये उनके लिए है कि हमें क्या फायदा होने वाला है इन पैसों के अंदर में, राइट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि आपकी मशीन, राइट, कि कोई भी मशीन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके अंदर में। तो उसकी सेल्स जो है उस मशीन से सेल, राइट, यानी कि प्रोडक्शन करके हम इतने रुपए का माल जो है सेल करते हैं। तो इसमें इसने बताया है कि ये $5 लाख का जो है ना वो सेल करता है पर ईयर एक मशीन से, राइट। तो आप भी अपने यहाँ पे किसी भी मशीन का आप प्रोडक्शन निकाल लीजिए साल भर का, कि हम लोग इससे इतना साल भर का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, करते हैं नहीं कर सकते हैं, ये आपको निकालना है। क्योंकि करते हैं तो वो है जो आप अपना चेंज ओवर का टाइम माइनस करके प्रोडक्शन निकालते हैं, वो है नहीं, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उस मशीन पे, राइट। किसी भी प्रोडक्ट का निकाल लीजिए आप, और उस जिसके ऊपर भी आप स्मैड अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, जिस भी डाई के ऊपर में, आप तसली से समझ लीजिए कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कि जिस भी डाई के ऊपर में आपको स्मैड अप्लाई करना है वो डाई उस प्रोडक्शन उस कंपोनेंट का प्रोडक्शन किसी भी मशीन पे पूरे साल का हम कितना कर सकते हैं वो निकाल लीजिए। उसको हम प्रोडक्ट को कितने रुपए में हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को, राइट, वो निकाल लीजिए। तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग इतने रुपए की सेल इस मशीन से हम लोग कर सकते हैं इस पार्ट की, राइट, और उस पार्ट का प्रोडक्शन करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है पूरे साल भर के अंदर में वो निकाल लीजिए। तो जैसे कि इसमें निकाला हुआ है कि हम लोग 5 लाख डॉलर की सेल कर सकते हैं पर मशीन से, और उसमें 2000 घंटे जो है एक साल में हमें लगेंगे इसको प्रोडक्शन करने में, राइट। तो इसके अंदर में रेवेन्यू जो निकल के आएगा $250 मशीन का निकल के आएगा पर आवर का, यानी कि $250 पर आवर की कॉस्ट निकल के आ गई उस मशीन की, राइट, सेल्स के टर्म्स में। जब आप इतना निकाल लेंगे तो आप इस फॉर्मूले से आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए और उस पर्टिकुलर मशीन के लिए जिस पे आप स्मैड अप्लाई करना चाहते हैं। देखो स्मैड आए आप अप्लाई करेंगे किसी डाई के लिए और किसी मशीन के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर डाई का और हर मशीन का जो चेंज ओवर टाइम है वो अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको जिस कंपोनेंट के ऊपर में, जिस मशीन के ऊपर में स्मैड अप्लाई करना है उसकी कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करनी है, राइट। यहाँ पे जो टी है जो आपका चेंज ओवर टाइम है मिनट्स के अंदर में, आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है कि ये मिनट्स में बात हो रही है, राइट। आपका प्रोडक्शन टाइम है यानी कि उस बैच को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है मिनट्स के अंदर में, बैच का साइज क्या है क्वांटिटीज में, राइट, और आपका मशीन का रेट जो हमने अभी ऊपर निकाला यहाँ पे $250 पर आवर निकाला था, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, हम आगे फॉर्मूले में देखेंगे अभी आगे आप एग्जांपल में, ठीक है। हम लोग अभी डायरेक्ट एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, ये सारे जिंक के थे, ये एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम के एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है इन्होंने, आप गौर से समझिए कि पैसे में क्या नुकसान और क्या फायदा होने वाला है। गौर से पढ़िए इसमें कि डाई चेंज ओवर टाइम जो सेटअप टाइम लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल में वो 300 मिनट है, यानी कि 5 घंटे लगते हैं किसी डाई को चेंज करने में, राइट। और उसका साइकिल टाइम क्या है, उसका साइकिल टाइम है 30 सेकेंड, यानी कि 2 यूनिट दो पार्ट जो है वो पर मिनट बना सकता है, राइट, उस मशीन पे। ऑर्डर साइज है हमारे पास में, ऑर्डर आया है 600 पीस का ऑर्डर आया है पर मंथ का, राइट। तो हमने एक ही बारी में बनाने का डिसीजन लिया उसको कि 600 पीस जो है हम लोग एक ही बारी में बनाएंगे, ओके। सेलिंग प्राइस, राइट, हम लोग $1 में उसको सेल करते हैं। आप अपने यहाँ का एग्जाम्पल लेके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर में, इसीलिए मैं बड़े धीरे से और बड़े डिटेल में जो है इसको बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आए, राइट। जो सेलिंग प्राइस है जो हम लोग कस्टमर को बेचते हैं, चाहे हम लोग एज कास्ट जो सेलिंग प्राइस है उसका वो हमें यहाँ पे लगाना है, राइट, जो एज कास्ट मशीन से निकलने के बाद में जो प्राइस है उसका सेलिंग वो हमें लगाना है यहाँ पे, राइट। मशीन का रेट क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था $250 पर आवर, तो यहाँ पे इन्होंने इस एग्जांपल में क्या लिया हुआ है $100 पर आवर, राइट। मशीन रेट कैसे निकालना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि मशीन रेट कैसे निकालना है आपको, राइट, ओके। अब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो है फाइंड करते हैं। तो इन्होंने देखो सबसे पहले टी चेंज ओवर टाइम, यानी कि
जो फॉर्मूले में था टी चेंज ओवर टाइम, वो यहाँ पे लिया हुआ है 300 मिनट, जो यहाँ पे 300 मिनट लिखा हुआ था। अगला था इसके अंदर में प्रोडक्शन टाइम, कितना टाइम उसको लगेगा प्रोड्यूस करने में, 600 पीस को प्रोड्यूस करने में अगर 2 यूनिट पर मिनट का उसका साइकिल टाइम है तो उसको 300 मिनट लगेंगे ये बैच प्रोड्यूस करने में, राइट। अच्छा कितनी यूनिट, यानी कि हमारा बैच साइज क्या था 600 यूनिट, वो 600 यूनिट यहाँ पे लिख दिया। उसमें यहाँ पे आगे जो फॉर्मूले में था वो था मशीन कॉस्ट, राइट। तो मशीन कॉस्ट पर आवर में हमें दी हुई है, जैसे कि मैंने पहले बताया था इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 से डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब सॉल्व करके निकल के आएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो निकल के आएगी वो $1.67 निकल के आएगी, राइट। ओके, अब ये नीचे क्या बता रहे हैं हमें, लॉस $0.67 का है। क्यों लॉस है, कि सेलिंग प्राइस है आपका $1 और आप प्रोडक्शन कॉस्ट कर रहे हैं 1.67, तो आपको हर यूनिट पे $1 का नुकसान है अगर आप 300 मिनट का चेंज ओवर टाइम रखते हैं तो। ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप अगर चेंज ओवर टाइम कितना भी है आपके यहाँ पे, वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है ये प्रोडक्शन करने में, राइट। ओके, इसी एग्जाम्पल के अंदर में इसने क्या चेंज किया है, सेम एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसमें चेंज क्या किया है कि बैच साइज जो इसने लिया है वो यहाँ पे 2400 यूनिट का लिया है, राइट। 2400 यूनिट का पर मंथ, इफ ऑर्डर वही है पर मंथ, बट इसने क्या किया कि अभी 2400 यूनिट के लिए, यानी कि 4 बैचेस के लिए इसने जो है ये निकाली है। अगर 4 बार डाई चेंज ओवर हम करेंगे इसको तो क्या कॉस्ट होने वाली है, तो इस फॉर्मूले में सारी चीजें सेम रहेगी। चेंज ओवर टाइम देखो उतना ही, चेंज ओवर टाइम अभी कम नहीं किया है इसने, राइट। बस इसने क्या चेंज किया है यहाँ पे कि इसने प्रोडक्शन टाइम 2400 यूनिट को लगने के लिए जो प्रोडक्शन टाइम है वो यहाँ पे 1200 मिनट कर दिया है, और यूनिट अभी क्योंकि 2400 हो गई है तो वो 2400 कंसीडर किए, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसमें बैच साइज बढ़ने की वजह से, राइट, बैच साइज बढ़ने की वजह से इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो $1 के लगभग आई है, और इसमें नुकसान जो हमें पर यूनिट है वो कम हो गया है $0.00 पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अब, बट इसके अंदर में हो क्या जाएगा कि हमें इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि हमें रखना भी तो पड़ेगा ना ये बनाने के लिए, राइट। ओके, अब इसने क्या किया है अगले एग्जाम्पल के अंदर में, एग्जाम्पल सेम है बट इसमें चेंज क्या किया है कि सेटअप टाइम कम कर दिया है इसने, राइट। अभी इसने सिंगल आवर एक्सचेंज ऑफ डाई शेड जो लिखा हुआ है, सिंगल आवर एक्सचेंज ऑफ डाई, यानी कि 1 घंटे के अंदर में जो है ये डाई चेंज कर दी, जहां पहले ये 5 घंटे में हो रही थी अभी इसने ये 1 घंटे में रिड्यूस करके लिया है। तो अभी देखते हैं क्या इसके अंदर में नुकसान है और फायदा है। तो बाकी सारी चीजें सेम है, फॉर्मूले के अंदर में जो ये 300 था चेंज ओवर टाइम, ये इसने 60 मिनट कर दिया है यहाँ पे, तो जो कैलकुलेट किया है तो $1 आया है, और $1 ही हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो इसमें ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं है कोई फायदा नहीं है अगर ये कंडीशन भी रहती है, अगर ये 60 मिनट तक भी लेके आता है अपना चेंज ओवर टाइम। तो लास्ट एग्जाम्पल के अंदर में इसने क्या किया है कि 10 मिनट के अंदर में अपना चेंज ओवर टाइम लिया है, जिसको हम लोग स्मैट कह रहे हैं, राइट, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। तो सिंपल हमें यहाँ पे 10 मिनट जो है प्लेस कर देना है और आपको कैलकुलेट करना है, तो ये निकल के आएगा कि आपको पर यूनिट $0.14 का फायदा हो रहा है, राइट, प्रॉफिट ऑफ $0.14 पर यूनिट, और $16.80 का जो है पर आवर का फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिफोर स्मैट जो है आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, या फिर आफ्टर स्मैट भी आपको अगर स्मैट भी अप्लाई कर देते हैं तो फायदा होने वाला है नुकसान होने वाला है, अगर होने वाला है तो कितना होने वाला है, तो वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है, कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले, किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, सब लोग जो है वो आज के टाइम में कॉमर्शियल हैं तो नंबर्स जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं हालांकि, और नंबर्स के अंदर में इतना भी टाइम वेस्ट ना करें कि सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दें, इसके बाद में आपको प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने पे इससे कई गुना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट।